आज मैं आप लोगों को बच्चों में होने वाले हृदय रोगों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों में होने वाले हृदय रोग ज़्यादातर होते हैं, जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं बच्चों के दिल में छेद होना, जिसका कि बहुत ही अच्छा समाधान हमारे पास मौजूद है। बिना ऑपरेशन के या ऑपरेशन द्वारा इनका उपचार हो जाता है और बच्चे अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसके बाद सबसे कॉमन होते हैं वो हृदय रोग जिनमें बच्चा नीला पड़ता है। इनमें भी बहुत हद तक परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका कि ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव है। बहुत सारे लोगों में ऐसी धारणा होती है कि बच्चे में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं हो सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। 90% हार्ट की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं बच्चों में जिनका बहुत अच्छा समाधान हमारे पास मौजूद है। तो सबसे कॉमन लक्षण जो बच्चों में होता है हृदय रोग का, छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न्स में या 2-3 महीने के बच्चों में, वो होता है वज़न कम बढ़ना या ना बढ़ना, और बच्चे का तेज़ तेज़ सांस लेना, दूध पीते पीते छोड़ देना, थक जाना, पसीना आना। ये एक बहुत ही गंभीर लक्षण है जिसके लिए हमें तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए, जो कि हमें गाइड करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है बच्चे का नीला पड़ना। अगर बच्चा किसी भी कारण से रोते रोते नीला पड़ रहा है तो यही दर्शाता है कि बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और हमें उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए या तुरंत डॉक्टर को दिखा के उसका डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे हृदय रोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं भी होते हैं। आप अगर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आला लगा के देखते हैं और कहते हैं कि बच्चे के हृदय में कुछ अलग सी ध्वनि आ रही है, मरमर आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो ऐसी चीज़ को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके लिए आगे जो भी आपको ट्रीटमेंट बताया जाए वो करना ज़रूरी होता है।